हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के समोसा। ये छिलके वाली मूंग की दाल है और इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसको धुल लिया है। इसका छिलका कुछ हटा लिया है और कुछ इसी में है। और एक प्याज है, इस तरह से मैंने काटा है, इसको बारीक काटना है। और ये एक बाउल से कम है। ये प्याज है, हरा प्याज। हरी धनिया लिया है 1 बड़े चम्मच। 3-4 लिया मैंने हरी मिर्च, इसको भी काट लिया है बारीक। और मसाले में मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च लिया है और 1/2 टी स्पून हल्दी लिया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ जीरा लिया है। और नमक मैं 1 चम्मच यूज़ करूँगी और रिफाइंड ऑयल में बनाऊँगी। और समोसा पट्टी मैंने अभी फ्रिज में रखा हुआ है और मैं समोसा पट्टी बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैं दे दूँगी। मूंग की दाल समोसा बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, इसमें सर्विंग स्पून से 1 स्पून होगा। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ प्याज। अब प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसमें दाल डाल दे रही हूँ। गैस का फ्लेम हाई रखा हुआ है मैंने। इसमें डाल दे रही हूँ नमक। और ये हरी मिर्च, गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और इसमें ये मसाले डाल दे रही हूँ, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और भुना हुआ जीरा। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है और अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं इसको ढक दे रही हूँ कि दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसमें पानी ना रहे। बस मैं इसको ढक दिया मैंने। मैं इसको 2-3 मिनट के लिए ढक कर पका ली हूँ। अब ये दाल भी थोड़ी सी पक गई है और ये मूंग की दाल जल्दी से हो जाती है। बस उसको अच्छी तरह सुखा लेना है, इसमें पानी ना हो। और इस पॉइंट पर नमक भी टेस्ट कर लें, नमक ठीक होना चाहिए। अब इसका पानी सूख गया है, अब मैंने गैस बंद कर दिया और इसमें डाल दे रही हूँ ये प्याज और हरी धनिया। अब इसको ढकेंगे नहीं, ऐसे खुला रखेंगे, ये ठंडा हो जाएगा तो बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा दाल का मिक्सर रेडी हो गया है, अब मैं समोसा फोल्ड करने जा रही हूँ। और ये मैंने मैदा घोल लिया है, 1 चम्मच मैदा थोड़े से पानी में घोल लिया है। और ये हमारी समोसा पट्टी है जो फ्रिज में से 1/2 घंटा पहले निकाला है, अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं।
इसको पहले ऐसे फोल्ड करना है एक बार, फिर इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है, फिर ये पैकेट की तरह बन जाएगा। तो इसमें इस मिक्सचर को डालना है। डालने के बाद इस कोने को बंद करने के लिए इस पट्टी को इधर ले आना है। और ये मैदे का घोल जो है इसे चिपका देना है इसको, और इस साइड भी लगा लेना है। इसको इधर लाएंगे ऐसे, और ऐसे पीछे इसको फोल्ड कर देंगे। एक और फोल्ड कर लेते हैं। एक बार ऐसे करना है और एक बार ऐसे करना है। इसको यहाँ मिलाना है और फिर इसको इधर ले जाना है। जब इधर ले जाएंगे तो ये पैकेट जैसा बन जाएगा। फिर इसमें इस मिक्सर को डाल लेंगे। डालने के बाद इस कोने को बंद करने के लिए इस पट्टी को इधर ले आएंगे। इस पर रखकर अच्छी तरह से इसको कोना बना लेंगे और इस लाइन पे ले आएंगे इसको। जो एक्स्ट्रा होगा उसको टेस्ट कर लेंगे। और इस साइड भी लगाएंगे और इसको इधर से बंद कर देंगे। समोसा हमारा तैयार हो गया है। ऐसे करके मैं सारे समोसा बना लूँगी, फिर मैं फ्राई करूँगी। मैंने समोसा फोल्ड कर लिया है, अब मैं फ्राई करने जा रही हूँ। तो मैंने गैस पे रख दिया है तेल डालकर, और मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और वो हल्का गर्म भी हो गया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। गैस का फ्लेम लो कर दिया है, पहले मीडियम पे इसको गर्म कर लिया था। अब इसको फ्राई करूँगी तो लो पे करूँगी, जिससे कि अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाए। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा हुआ है, और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। ये हमारा समोसा फ्राई होने लगा है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, बस मीडियम से थोड़ा सा इसको लो और मीडियम में ही इसको फ्राई करना है, और ज़्यादा लो ही रखना है, जिससे कि ये कई तह में होता है तो इस तरह अच्छी तरह से क्रिस्पी होगा। और अब ये हो गया है, मैं इसको निकाल ले रही हूँ। ये समोसा राजस्थान में बनाया जाता है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही टेस्टी होता है समोसा, बिल्कुल अलग हटकर। और ये काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इस दाल वाले, मूंग के दाल वाले समोसे को ज़रूर बनाइए, बिल्कुल नया हट के टेस्ट लगेगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा। और कमेंट करके बताइए कैसा बना। आसाना बनाना भी बहुत आसान है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। Thank you. ये हमारा समोसा फ्राई हो गया है, अब मैं इसको चटनी के साथ सर्व करूंगी। ये हमारा समोसा अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो गया है, अब मैं इसको चटनी के साथ सर्व करूंगी।